हाई एवरी वन, वेलकम टू वाइशी मेकअप। दिस इज अनामिका और आज का वीडियो हिंदी में है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि कभी कभी मैं वीडियो इंग्लिश में करती हूँ, कभी कभी मैं वीडियो हिंदी में करती हूँ, तो क्या आप मुझे ऐसा करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? तो वैसे तो मैं हिंदी का वीडियो कर रही हूँ, लेकिन इंग्लिश के नीचे सारे सब टाइटल्स होंगे, तो जो लोग हिंदी नहीं जानते तो वो लोग उन सब टाइटल्स को पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो कोई मेकअप या फैशन या DIY नहीं है, जो मैं बहुत सारा आपको दिखाती रहती हूँ। और अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो प्लीज़ रेड बॉक्स पे सब्सक्राइब करना, जो कि नीचे है, वो बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको नोटिस आ जाए। तो आज के बारे में मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, जिससे कि मैं कुछ भूलूँ ना। मैं ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग में काफ़ी सालों से हूँ, लाइक इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 ईयर्स। लाइक यूट्यूबिंग तो मैंने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन ब्लॉगिंग मैं 8 साल से कर रही हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे मतलब आई शेडोज़ के टेक्स्चर्स क्या होते हैं, तरह तरह की लिपस्टिक्स क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस मेकअप अच्छा लगता था, बाकी मुझे इस प्रोफेशन से कैसे अर्न किया जाता है या कैसे ये भी एक ऐसा करियर लिया जा सकता है, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और जब मैं अपनी जर्नी पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं कितनी आगे आ गई हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख लूँगी या मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों को मतलब एक्सपीरियंस करूँगी, जो कि मतलब कभी भी मेरे दिमाग में नहीं था। और मैं काफ़ी खुश हूँ जितना मैं मतलब जिस मुकाम पे या जिस थोड़ी बड़ी जो मैंने इज्जत कमाई है। लेकिन ऑफ कोर्स आप कितना भी अच्छा कर लो, आपके मन में हमेशा ये रहता है कि काश मैं और अच्छा कर पाऊँ, और ये रहना भी चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स मतलब फिर कोई मज़ा नहीं है काम करने का, है ना। इफ़ यू डू नॉट फील कि मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग की है, वो ये है कि एज अ वुमन ये बहुत ही अच्छा करियर है, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज इस करियर से आप यू डू नॉट हैव टू लीव योर करियर और यू डू नॉट हैव टू टेक अ ब्रेक। आपको ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं, आप अपने फैमिली भी संभाल सकते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ जब मन चाहे वेकेशन पे जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और रही बात कमाने की, तो मैं ऑफकोर्स आपको ये नहीं बताऊँगी कि मैं कितना कमाती हूँ, प्रॉब्ली मैं आपको कभी आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने अपने जो कमाई की है उससे मैंने बहुत सारे फॉरेन ट्रैवल्स करे हैं, मैंने अपनी बेटी का सारा जो भी उसके टॉयज़ हैं, जो भी उसके कपड़े हैं, जो भी उसकी एजुकेशन है, वो सब मैंने फ़ंड करी है। मैंने एक स्मॉल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया है। तो ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉगिंग कम्युनिटी से अर्न करके किया है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि मतलब सबको ट्राई आउट करना चाहिए। बट हाँ, ये प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल है, इन द सेंस जनरली लाइक हर प्रोफेशन, सबको लगता है कि यार ये प्रोफेशन बहुत मुश्किल है। ऐसे ही इस प्रोफेशन में बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है, और ये इसका जो पेशेंस लेवल जो आपको रखना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब अंदर से तोड़ भी देता है, ये इतना मुश्किल होता है। बट अगर आप इसे करते जाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, तो ये आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ऑफकोर्स आपकी किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो जस्ट गो अहेड एंड डू इट। मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये मतलब चीज़ें आपको बाद में बताऊंगी। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाली थी कि 5 तरीके से आप YouTube और ब्लॉगिंग में कमा सकते हैं। पहला तरीका जो जिससे मैंने शुरुआत की थी, वो थी एडसेंस। एडसेंस शुरू में बहुत कम पैसे देता है, इनफैक्ट एडसेंस मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। आप Google जो एक्सपेक्ट करता है, वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आपका ब्लॉग जो है वो 6 मंथ एक्टिव रहा हो, उसमें अच्छा कंटेंट हो, तभी वो आपको अलाउ करता है। तो मुझे खुद काफ़ी टाइम लग गया था एडसेंस अप्रूवल लेने में ही, और तब मेरी कोई इनकम नहीं हुई थी। उसके बाद ग्रेजुअली मैं फिर भी काम करती गई, समहाउ मुझे ये काम बहुत पसंद आ रहा था, तो मैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी गेन्स मैं करती गई, और धीरे धीरे समहाउ चीज़ें अपने लेवल पे बैठती गई, और मुझे एक कंसिडरेबल अमाउंट एडसेंस से आने लगा। जब मेरा फर्स्ट चेक आया था वो काफ़ी लेट आया था,
वो मेरा 10 months या 9-10 months के बाद आया था, तो लेकिन जो वो खुशी थी उस चेक की खुशी आज तक जितने भी चेक आए हैं उनसे ज़्यादा नहीं हुई. आई डोंट नो व्हाई बट जो फर्स्ट चेक होता है वो फर्स्ट चेक होता है. तो दैट वॉज एन एग्जेम्पलरी हैप्पीनेस विच आई रिसीव्ड, विच आई एक्सपीरियंस्ड. और कुछ लोग एडसेंस को सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत बुलशिट मनी देता है और इतना अच्छा नहीं होता. उसका रीज़न ये है कि आपने जो SEO है वो इतना अच्छा करा ही नहीं है. अगर आपका SEO अच्छा है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कीवर्ड रैंकिंग से आप बहुत अच्छे ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे बुला सकते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर. और उसके बाद आप मतलब आपका एडसेंस रेवेन्यू काफ़ी अच्छा हो सकता है. मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिनका एडसेंस रेवेन्यू $10,000 पर मंथ है और बहुत ही अच्छा वो लोग कर रहे हैं. एंड सिर्फ एडसेंस रेवेन्यू अगर इतना है तो बाकी सब चीज़ें कितनी होंगी. तो एक पहली चीज़ जो है वो है एडसेंस रेवेन्यू, और जो कि काफ़ी अच्छा है. अगर आप सीरियस हैं इस प्रोफेशन के लिए तो आप इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो इसको आप स्लोली इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा पैसा दे सकता है. दूसरी चीज़ जो मैं जिससे मैं अर्निंग करती हूँ और वो है एफिलिएट्स. एफिलिएट्स जो होते हैं वो बेसिकली आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि एफिलिएट्स क्या होता है. कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बाकी जितनी भी वेबसाइट हैं, जैसे मैं इन दोनों से ही एफिलिएटेड हूँ, अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, तो इन ये लोग जब भी इनके लिंक के थ्रू कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, सपोज़ कीजिए मैंने कोई लिपस्टिक क्या रिव्यू किया उस पर मैंने इनका लिंक दिया कि आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा कमीशन हमें भी दे देते हैं. उस चीज़ से भी एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी आ सकता है. जनरली इस एफिलिएट सिस्टम पे जो टेक्नोलॉजी ब्लॉगर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, बट स्लोली इवन मेकअप के प्राइस बढ़ रहे हैं और एक अच्छा चंक ऑफ अमाउंट जो कि आपके काफ़ी एक्सपेंसेस कवर कर सकता है वो एफिलिएट से भी आ जाता है. और इट्स अ गुड अमाउंट जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपको बस एक एफिलिएट्स डालना होता है और वो आपको दे देता है. तो ये भी एक बहुत पेशेंस वाला काम होता है, इसमें भी बहुत इंटेलिजेंस चाहिए होती है, आपको बहुत रीड करना पड़ेगा उस चीज़ को अपनाने के लिए, अपने एनालिटिक्स देखने पड़ेंगे. तो जैसे मैंने कहा कि यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे, उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ पाते हैं. तीसरा जो मैं एक बहुत अच्छा रेवेन्यू है जो आपको मिल जाता है वो है पेड एडवर्टाइजिंग. बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि आपको उनके प्रोडक्ट रिव्यू करने के पैसे दे देती हैं. अगर आपके पास एक कंसिडरेबल फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे भी, आप जानते होंगे कि काफ़ी सारे जिनके फॉलोअर्स होते हैं उन लोग को कंपनीज कुछ भी उनके मतलब प्रोडक्ट जो लिखना होता है उसके ऊपर वो पैसे दे देती हैं. ऐसा ही यूट्यूब में भी होता है और ब्लॉगिंग में भी होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है और बहुत ही अच्छा आपको मिल सकता है अगर आपकी अच्छी फॉलोइंग है. शुरू में आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आपकी कंपनी भाव नहीं देगी, बट लेटर ऑन स्लोली व्हेन यू डेवलप द गुड फॉलोइंग, द ऑर्गेनिक फॉलोइंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको अच्छा मनी दे सकती है. और सबसे अच्छी बात जो इस प्रोफेशन की मुझे लगती है कि आप सिर्फ एक रेवेन्यू मॉडल पे नहीं डिपेंडेंट हैं. अगर एडसेंस भी है तो एफिलिएट भी है, पेड एडवर्टाइजिंग भी है, तो क्या है कि इट्स नॉट दैट कि आप यू नो यू आर पुटिंग you know your money in only one basket. There are a lot of things which you can do, right? So paid advertising तीसरा हो गया. चौथा जो है जो कि मुझे अच्छा लगता है वो है CPM advertising. वो उसमें क्या होता है कि आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि CPM advertising पे वर्क करती हैं, स्पेशली क्योंकि मशीन लर्निंग और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बना देती हैं और उससे CPM एडवर्टाइजिंग काफ़ी अच्छी होती है. तो जनरली क्या होता है कि आप एक वीडियो या कोई भी एड अपने ब्लॉग पे और या अपने यूट्यूब चैनल पे अगर आप लगाते हैं तो वो लोग आपको वो वीडियो या कुछ भी बैनर प्रोवाइड करते हैं, और जब लोग उसे देखते हैं जितने नंबर ऑफ़ व्यूज़ उसके होते हैं उस हिसाब से वो आपको पे कर देते हैं, या फिर जितने नंबर ऑफ़ क्लिक्स होंगे उस हिसाब से. सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, बट दैट इज़ ऑल्सो अ गुड अमाउंट, गुड रेवेन्यू जनरेटिंग मैकेनिज्म. तो इसको भी बहुत अच्छे से अगर आप वर्क करें या ट्राई आउट करें, ऑल्दो ये मेरा फोर्थ नंबर ऑफ अर्निंग है बिकॉज इसमें मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी कि मुझे एडसेंस में और एफिलिएट्स में मिली. और फिफ्थ जो है जो कि मेरा मतलब बहुत फेवरेट है, ऑल्दो आई शुड हैव मेंशन दिस बिफोर ऑल्सो, वो है ब्रांड कोलैबोरेशन. ब्रांड कोलैबोरेशन जो होता है वो मतलब आप लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि ब्रांड कोलैबोरेशन में जनरली
आप सारी कंपनीज को अप्रोच करते हो, जैसे कि लैक्मे, लॉरियल, इन सब कंपनीज को आप अप्रोच करते हो और आप उनको बोलते हो कि सी मैं ये एडवर्टाइज़र हूँ और ये मैं ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ और मेरी ऐसी ऐसी फॉलोइंग है, मैं आपके साथ काम करना चाहूँगी. शुरू में अगर आपकी फॉलोइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्रॉब्ली आपको वो रिप्लाई भी नहीं करेंगे और प्रॉब्ली मतलब कुछ भी आपको नहीं होगा. तो डोंट गेट डिसहार्टेड, ट्राई अगेन और एक अच्छी कंसिडरेबल फॉलोइंग करके काम करते जाइए, अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप उनको फिर से अप्रोच कीजिए, वो धीरे धीरे आपको काफ़ी सारे ब्रांड बनने लग जाएंगे. दूसरी बात ये कि एक बार जब आपका ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इट काइंड ऑफ बिकम्स फॉर एवर, इन द सेंस कि अगर मैं लैक्मे से कोलैब करती हूँ या फिर अगर मैं फॉक्सी मोरॉन, आई मीन द मेबलिन जिनसे मैं कोलैब करती हूँ, तो वो हमेशा ही ऑलमोस्ट चलता रहता है, तो उससे आपको रेगुलर मनी आता रहता है. तो ऑफकोर्स जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई इन सब में बहुत टाइम, मेहनत और अपने आप को इम्प्रूव करना होता है. आप ही को एडिटिंग करनी है, आप ही को फ़ोटो खींचनी है, आप ही को सुंदर लगना है, अपने आप को मेंटेन करना है, आप ही को प्रोडक्ट अवेयरनेस भी आनी चाहिए, यू शुड राइट वेल. ये सब चीज़ें एक बंदे में होना बहुत मुश्किल होता है और इन सब चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है. बट जनरली आपने देखा होगा कि या तो दो बहनें कर रही होती हैं या हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर रहे होते हैं. तो आई डू फील कि एक मतलब एक बंदा अगर टेक्नोलॉजी में आपके पास हो या फिर आजकल आपके पास पैसा है तो आप बाहर से भी हायर कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हेल्प करती हैं. बट यू डू नॉट ओनली हैव टू फॉलो द पैशन हियर, यू हैव टू थिंक इन बोथ वेज, इन द सेंस यू हैव टू थिंक प्रोफेशनली एज वेल एज यू हैव टू थिंक इट इन मैनी अदर वेज एज वेल. तो ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी. अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मैं फिर से करना चाहूँगी. तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आगे कौन से वीडियो मैं करूँ. बाय.